कहाँ पे रह रहे थे, आपको कोई अंदाजा? ऐसा तो वो यहाँ के बोलने वालों का ये हिसाब है कि वो लोग सितंबर से यहाँ पे रह रहे हैं, सितंबर से। लेकिन मैंने उस बंदे को 15 दिन से देख रहा था। अच्छा, तो रोज शाम को यहीं पे सिगरेट पीता था? सुबह में देखता था मैं, सुबह में डॉगी को बाहर निकलता हूँ वॉक के लिए। अच्छा, उस टाइम पे यहाँ बैठ के सिगरेट पीता। और उसके अलावा आपसे कोई बातचीत? उसके अलावा कुछ बातचीत? तो आपने जब फोटो देखा टीवी पे सब चलते हुए देखा, टीवी पे फोटो देखा, तो मैंने मेरे मिसिस को बोला, ये बंदा इधर बाजू में रहता था और यहाँ खड़े रह के सिगरेट पी लेगा। आपने कभी नाम पूछा? गुरमेल, धर्मराज और शिवा, ये तीन जो आरोपी जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला करके उनकी हत्या कर दी, कुरला के जिस रूम में रहते थे, हम इस समय वही जगह पर पहुंचे हुए हैं। आप इस जगह को एक तरह से कंट्रोल रूम कह सकते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी साजिश रची गई थी और रेकी करने के बाद ये तीनों आरोपी इसी कमरे में रहते थे। अभी कमरे की क्या स्थिति है वो आप तस्वीरों में देखें। यहां पर जो गद्दा आपको दिखाई दे रहा है, दो गद्दे के अलावा सिर्फ कपड़े यहां पर नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी चीज यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। केवल मिठाई का डब्बा यहां पर आपको सामान के रूप में दिख जाएगा और जो खाने पीने की, खास तौर पर जो पानी के बॉटल्स हैं, वो यहां पर दिख जाएंगे और एक हेलमेट अंदर रखा हुआ यहां पर आपको तस्वीरों में दिख जाएगा। और जो चप्पल यहां पर रखे हुए हैं उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जो एकमात्र तस्वीर तीनों के साथ में आई है मुंबई के जुहू बीच से, उसमें जो आरोपियों ने चप्पल पहना हुआ है वो आपको यहां पर तस्वीर में साफ दिख जाएगा, जो तस्दीक देती है कि वो तीनों यहां पर ही रहते थे। और जब पुलिस ने इस लोकेशन को ट्रेस किया पूछताछ के बाद, तो फिलहाल अभी ये रूम लॉक कर दिया गया है। और जो स्थानीय जो आसपास पड़ोस में लोग रहते हैं, उन्होंने बताया कि 2 महीनों से ही वो यहां पर रह रहे थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, कब आते थे कब जाते थे कुछ पता नहीं चलता था। एक शख्स जिसने सिर्फ 3 आरोपियों में से एक को देखा था, पहचाना था, उससे एक सिर्फ एक ही बार बात हुई थी, जिन्हें वो अक्सर यहां पर सिगरेट पीते हुए देखते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जगह पर इतना बड़ा जो क्राइम था उसे करने के लिए तीनों आरोपी आते हैं, सारी षड्यंत्र यहीं इसी कमरे में रची जाती है, रेकी करने के बाद आकर यहीं पर ठहरते थे, प्लानिंग सारी चीजें बनती थी, और इंटेलिजेंस मुंबई पुलिस की क्यों फेल हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब विपक्ष इसी सारी चीजों को लेकर सवाल उठा रहा है। हालांकि इस मामले में 3 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं, बाकी के 3 आरोपियों की तलाश में क्राइम ब्रांच की कई सारी टीमें अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल 3 जो आरोपी थे मुंबई के कुरला इलाके में जहां रहते थे, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। डिसूजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उन 3 आरोपियों में से एक को देखा था, उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पे ये जो 3 लड़के रह रहे थे, उनमें से आपने क्या तीनों को देखा था? सिर्फ एक को देखा था, जो जहाँ अपन खड़े वहाँ खड़े रह के वो सिगरेट पीने का। ओके, और कभी देखा था आपने? कुछ याद है उसको? 10-15 दिन से देख रहा था क्या ये बंदा यहाँ के सिगरेट पीने का सुबह में। अच्छा, तो आपको पता कैसे चला कि वो लोग यहाँ पर रहते थे? जब मुझे कुछ नहीं मालूम था कि वो कौन है क्या है। सिर्फ वो एक बंदा याद आया, एक दिन मेरे को इंग्लिश में पूछा, अंकल विच ब्रीड इज योर डॉग, आई गॉट 2 डॉग्स। पूछा कोई, आई टोल्ड हिम आई गॉट अमेरिकन बुली एंड पिट बुल। ये कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे थे, आपको कोई अंदाजा? ऐसा तो वो यहाँ के बोलने वालों का ये हिसाब है कि वो लोग सितंबर से यहाँ पे रह रहे थे, सितंबर से। लेकिन मैंने उस बंदे को 15 दिन से देख रहा था पहले। अच्छा, तो रोज शाम को यहीं पे सिगरेट पीता था? सुबह में देखता था मैं, सुबह में डॉगी को बाहर निकलता हूँ वॉक के लिए। अच्छा, तो उस टाइम पे यहाँ बैठ के सिगरेट पीने का। ओके, और उसके अलावा आपसे कोई बातचीत? उसके अलावा कुछ बातचीत? तो आपने जब फोटो देखा टीवी पे सब चलते हुए देखा, टीवी पे फोटो देखा, तो मैंने मेरे मिसिस को बोला, ये बंदा इधर बाजू में रहता था और यहाँ खड़े रहकर सिगरेट पी लेगा। आपने कभी नाम पूछा उनसे कुछ? कभी नहीं। सिर्फ आप वही जो सुबह मुलाकात होती थी वहाँ यहाँ पर, किसी ने मुझसे बात किया था कि अंकल विच ब्रीड योर डॉग सर, वही उतना बताया था। लेकिन जो हिसाब से पूछा था वो इंग्लिश में पूछा था, मेरे को बोला पढ़ा लिखा छोकरा है, कोई अच्छे कहीं काम पे रहेगा, इसके लिए यहाँ रहने रूम लिए रह गए। तो रूम में कब आते थे कब जाते थे कुछ भी? वो कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। मेरा घर यहाँ से थोड़ा आगे है। अच्छा, तो आप यहाँ पर ये सामने से जो है कुत्ते को टहलाने का रास्ता, मेरा आने जाने का रास्ता है ना ये जी, जी। तो मेरे डॉगी को, मेरा बंगला बाजू में, ये बंगले के बाजू में मेरा बंगला है जी, मेरे डॉगी को यहाँ से ही लेके जाता हूँ ना मैं घुमाने के। तो क्या आपने ये चीज बताई पुलिस को जब भी आपने ये फोटोग्राफ? मेरे को क्या जरूरत है बताने की? अभी पुलिस वाले आए, बीबी नगर वाले आए, उनको बताया, बोला ये एक बंदे को मैं पहचानता हूँ। आपने बताया पुलिस? बताया, 15 दिन पहले मैं देखा था इधर। ओके, तो बाकी के 2 अंदर थे रहने के, वो कभी निकलने के कभी जाने के कुछ नहीं मालूम।
करते क्या थे ये भी नहीं पता। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। कब आते थे कब जाते? जो जो लड़का इंग्लिश में मुझसे बात किया तो मैं वही सोचूंगा ना किसी बड़े कंपनी में काम करता है, रूम पे भाड़े से लिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या इस तरीके के लोग ज्यादातर रेंट पे रहने के लिए लड़के लोग जो वर्किंग में रहते हैं? गांव में बहुत से लोग हैं जो 11 महीने पे आके रहते हैं। अच्छा, इस जगह को कहते क्या है सर? एक जगह को कहते हैं पुलिस पटेल चाल क्रिश्चियन गांव। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी आपको हम वो फ्लैट दिखाते हैं, एग्जैक्टली जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो रहते थे, क्योंकि ये जो इलाका है काफी ज्यादा बाहरी इलाका माना जाता है, कुरला का जो आप कह सकते हैं चौल वाले जो इलाके होते हैं उनमें आता है। और इस समय आपको हम वो सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उस कमरे की खिड़की खुली हुई है। बताया जा रहा है कि यहीं पर जो देवा था वो रहता था, और जो धर्मराज था वो भी यहां पर रहता था, और उसका जो तीसरा जो साथी था वो भी यहां पर रहता था। अंदर की तरफ आप जो चप्पल देख रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जो फोटोग्राफ जुहू बीच से सामने आई है जिसमें तीनों आरोपी देखे जा सकते हैं, उनमें से एक चप्पल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अंदर भी अगर आप देखें तो कई सारे पानी के बॉटल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, चिप्स के पैकेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हेलमेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कपड़ा जो वो लोग पहनते थे वो भी आपको यहाँ पर टंगा हुआ नज़र आएगा। और जो खाने पीने के हैं डब्बे यहाँ पर देखिए, स्वीट का एक डब्बा है वो रखा हुआ है, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे रखी हुई हैं। फिलहाल ताला लगा हुआ है इस रूम में, बताया जा रहा है कि 2 महीने से यहाँ पर रह रहे थे, और अभी फिलहाल जो पुलिस है वो इस पूरे इलाके की जांच कर रही है। ताला लगा दिया गया है, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे, ये भी चीज सामने आई है। लेकिन एक जो प्रत्यक्षदर्शी ने हमें बताया कि यहाँ पर कुछ ही दिनों से रहते हुए हमने देखा था, और इंग्लिश में बात करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि शायद वो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ये जो जगह है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आप एक तरह से मान सकते हैं कि इस जगह पर आने के बाद ही पुलिस को पता चला कि ये जो तीनों आरोपी थे लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे। सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं कि इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर कि हाई प्रोफाइल जो है टारगेट को जो है ये लोग हत्या करने के लिए आए थे, और पीछे 2 महीनों से यहाँ पर कुरला इलाके में रह रहे थे, और पुलिस को कानो कान खबर नहीं चली, और ऐसे में इन्हें घटना को अंजाम देने में मदद मिली और इन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया। फिलहाल क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें तीसरे जो आरोपी है उसके पकड़ने के बाद इस मामले में 6 जो आरोपी अब तक सामने आ चुके हैं, बाकी के 3 की तलाश में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत, मुंबई।